भाइयों, मैं नितिन रमानी कोर्ट के अंदर। इस समय मैं कोर्ट के अंदर हूँ तेलंगाना में, और यहाँ पर मैं अभी मेरी पुलिस वालों से काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं। मेरी गाड़ी के अंदर बैठकर जानबूझकर मुझे मारा गया है। मेरी सिस्टर को, शालिनी रमानी को मारा गया है, और साथ में मुकेश परमार सर को, जो कि हमारे गुरुजी हैं, उनको उठाकर पुलिस यहाँ से मेरी गाड़ी में से लेके गई है। मैं अकेला पड़ गया था यहाँ पर, जो कि मैंने पुलिस वालों से मैंने बहुत हाथापाई करी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, आज अगर आप लोगों में दम है तो आप लोग सब के सब है ना तेलंगाना पहुँचिए। दम है ना, और सच्चे अगर सब लोग हो ना, तो एक साथ उठकर आ जाओ इधर तेलंगाना में, देखते हैं अब क्या होगा। लड़ना है ना तो अच्छे से लड़ाई करना, और अगर डरना है ना तो जय माता दी पीछे बैठ जाना, अकेले ही दम लगा के खेल जाऊंगा। दोस्तों, हम अभी सही हैं, आपसे प्लीज़ एक निवेदन है। यूट्यूब के ऊपर सारे मैसेजेस जा रहे हैं गलत तरीके से, प्लीज़ इस न्यूज़ को कोई भी यूट्यूब के ऊपर न डालें। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और इसके अंदर कंप्लीट जो है वो, मैं आपको कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगी। आज कोर्ट में ये हुआ है कि हरियाणा पुलिस की कस्टडी कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो लोग 10 दिन की कस्टडी मांग रहे थे, और उसमें सेम रीज़न के ऊपर 420 में वो कस्टडी मांग रहे थे, जिसके लिए मैजिस्ट्रेट साहिबा ने ये चीज़ बोल करके मना कर दिया कि आपका सेम केस है और ऑलरेडी जो है आपके बंदों को वो कस्टडी में है, तो आपको और किस चीज़ की कस्टडी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था और रिजेक्ट कर दिया था कि अगर आपको कोई चीज़ भेजनी थी या कोई फाइल करनी थी तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी चाहिए थी, ना कि सुपरिटेंडेंट के नाम के ऊपर आपको वो बनाना था। कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और हम लोग जैसे ही यहाँ से निकले और वैसे ही सिविल ड्रेस के अंदर कुछ गाड़ी थी, बोला कि हम कमिश्नर साहब के वहाँ से हैं और पुलिस से हैं, और मुकेश परमार इस क्राइम के अंदर है। दोस्तों, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। हमारे राधेश्याम जी को षड्यंत्र में फंसाया गया है, उस षड्यंत्र का हिस्सा जब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाना चालू कर दिया है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो लोग मारा पीटी करके ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि तुमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि वो अपने आप को सेफ कर सकें, और उन्होंने ये चीज़ पूरी पर्सनली ले ली है अपने आप में। तो ये जो है, ये साजिशों के तहत हो रहा है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। कल बेल की फाइल लगने जा रही थी, और आज इस तरीके से हमारे लीडर को उठा करके मारा पीटी करके लिया गया है। मुझे खुद को भी मारा, क्योंकि जब मैंने जैसे ही बताया कि मैं ह्यूमन राइट से हूँ, तो वो बंदा कार से उतर गया, और जैसे ही वो बंदा कार से उतरा तो मेरे को धक्का देकर के उतरा। मैं नीचे उतरी, मेरे भाई ने रोकने की कोशिश करी उनको, तो उसके साथ उसकी आतापाई हो गई, और इतने में वो गाड़ी को लेकर के मतलब फर्राटे से निकाल करके लेके गए, और तब से अभी तक भी 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं कंटिन्यूस मिस्टर रेड्डी के टच में हूँ, और वो आ रहे हैं हम सबको लेने के लिए। उन्होंने बोला कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनको रिक्वेस्ट करी है, वो मुकेश जी को बचाने के लिए खुद पुलिस के पास जाएंगे। प्लीज़ आप इस न्यूज़ को कहीं पर भी ना डालें, और प्लीज़ हम लोगों का सपोर्ट करें, धैर्य बना करके रखें। ये न्यूज़ कहीं नहीं जानी चाहिए, ये हम लोगों की लड़ाई है, हम इसको निपटाएंगे, लोगों तक पहुँचाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लीज़।